आईएमडी के अनुसार अगले 6 दिन देश के कई राज्यों में भारी से बहुत अधिक भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो आइए अलग अलग दिनों के अनुसार मौसम का हाल जानें। हम यहाँ आपको 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा बता रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 6 अक्टूबर को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अक्टूबर को केरल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग के अनुसार 9 अक्टूबर को भी केरल में भारी से बहुत अधिक भारी बारिश की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग के अनुसार 10 अक्टूबर को भी केरल में भारी से बहुत अधिक भारी बारिश हो सकती है, जबकि असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। और मौसम विभाग के अनुसार केरल में भारी से बहुत अधिक भारी बारिश की संभावना है, जबकि असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। और बिहार की मौसम की बात करें तो बिहार में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी लोगों को सताने लगी है। बीते 24 घंटे में 35.6 डिग्री तापमान के साथ सीतामढ़ी सबसे गर्म जिला रहा। वहीं करीब 17 जिलों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भाग के कुछ जिलों में 15 अक्टूबर तक हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। बता दें कि पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाले पूर्वा हवा के कारण मौसम सामान्य बना रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के आसपास देखा जा रहा है, जबकि ट्रफ लाइन उत्तर बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी है। मानसून इस साल 15 अक्टूबर तक एक्टिव रहेगा, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और राज्य में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवा चल रही है। दोनों हवाओं में जो मजबूत होगी उसके अनुसार मौसम में बदलाव होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड के मौसम की बात करें तो पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड वाले हिस्से में बंगाल की खाड़ी में आए लो प्रेशर का असर रहा। संताल और कोयलांचल के कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि राज्य के करीब करीब सभी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव नहीं होगा। कहीं कहीं हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 11 अक्टूबर तक राज्य के सभी हिस्सों में आकाश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश जामताड़ा के नारायणपुर में हुई। ये करीब 129 मिलीमीटर बारिश हुई। वही पुटकी में 75 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। मैथन में 45, घाटशिला में 45 तथा हजारीबाग में 35 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक हर दिन बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गुड्डा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।